और आज हम देख रहे हैं कि कठुआ डिग्री कॉलेज के अंदर राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो पूरी तरह से अपने पैर यहां पसार चुकी हैं। कुछ दिनों पहले कॉलेज की लाइब्रेरी में लिखा हुआ मिलता है कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसी चीजों को हम लोग खुद साफ करते हैं, क्यों कि कॉलेज का माहौल खराब ना हो। परंतु परसों फिर एक बार ये देखा गया है कि कॉलेज की नॉन मेडिकल ब्लॉक में कक्षा नंबर 18 के अंदर जब यहाँ पे ये लिखा जाता है कि पुलवामा अटैक याद है ना, तो मैं ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को ये कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है अलग अलग संस्कृति और परंपराओं से भरा हुआ। यहाँ रहने वाला हर भारतवासी भारत माँ के लिए मर मिटने को तैयार है। क्लासों में भी लिखा गया है कुछ? हाँ जी, हमारी जो लाइब्रेरी है इधर लिखा गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जे जिस भी बच्चे ने लिखा हुआ है वो हमारे सामने आए, एक बार हमारे सामने है कौन है जे, अगर जे इधर छुपे हुए लिख रहा है जे सामने आके लिखे, हम भी मैदान में आके हमारे साथ लड़े कि है कौन है। क्या चाहते हो इस तरीके की आपने जो कंप्लेंट है कि कॉलेज एस्पिरेशन से की, उनका इसके ऊपर क्या? उसके ऊपर उनका कोई इफेक्ट नहीं है। वो कह रहे हैं हम बात करते हैं जी, कोई तरीका नहीं है कि बात करते हैं, किससे बात करते हैं? अगर आपको इतना ही है, अगर हमारा भारत आज हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो आप आके बाहर आओ ना, प्रोटेस्ट करो ना। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक तो हमारे देश के कॉलेज में आके पढ़ते हैं और उसी कॉलेज में आके ऐसे गंदे काम करते हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए। जिस देश का वो खाते हैं उसी में आके वो लिखते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लालच है उन लोगों पे जो ऐसा लिखते हैं। एक तो हमारे इधर रहने के लिए हम छत देते हैं और वो ऐसा जिस देश का नमक खाते हैं उन पर आके ऐसे लिखते हैं। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि जो भी बच्चा है वो ऐसा करे। प्रिंसिपल हमारा कुछ करने को तैयार नहीं कि वो टीचर से बात करेंगे। टीचर से बात करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आपको इतनी टेंशन है तो आप सामने आके बोलो ना, पाकिस्तान मुर्दाबाद।